हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे मिमी पैसिफायर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं मिमी पैसिफायर्स का यूज क्या होता है। न्यूली बॉर्न बेबीज की हैबिट होती है कि वो नोज की बजाय माउथ से ब्रीथ करते हैं, तो उनको नोज से ब्रीथ लेने की हैबिट दिलाने के लिए पैसिफायर्स का यूज किया जाता है। जब हम बेबीज के माउथ में इसको सक करने के लिए डालेंगे तो ऑटोमेटिक बेबीज जो है वो नोज से ब्रीथ लेना स्टार्ट करेंगे। इसके साथ साथ ये छोटे बेबीज में थंब सकिंग की हैबिट को भी छुड़ाने के लिए यूज किया जाता है। छोटे बच्चों में थंब सकिंग की हैबिट देखा गया है, जिनको थंब सकिंग की हैबिट हो जाती है वो लॉन्ग टाइम तक उसे नहीं छोड़ते हैं, और इसके साथ साथ ये बिल्कुल भी हाइजीन नहीं होती है, क्योंकि छोटे बेबीज अलग अलग चीजों को टच करते हैं, क्रॉल करते हैं, क्रॉल करने के टाइम पे उनके थंब फ्लोर पे लगते हैं, इसके बाद वो सक करते हैं उसे, सक करने के बाद अगेन क्रॉल करेंगे तो सारी डस्ट वगैरह उनके थंब पे लगती रहती है और वो बेबीज के माउथ के द्वारा पेट में जाती रहती है, जो कि बिल्कुल भी हाइजीन नहीं है। इससे पेट की बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। थंब सकिंग की हैबिट को छुड़ाने के लिए भी पैसिफायर्स का यूज किया जाता है। इसके साथ साथ ये ओरल स्टिमुलेशन के लिए भी बेबीज के लिए यूज किया जाता है। अब हम देखेंगे हमारे पास मिमी में दो तरह के पैसिफायर्स हैं, एक रेगुलर है, एक ऑर्थोडोंटिक। जैसा कि इसे आप देख सकते हैं, जो रेगुलर वाला है उसका टीट निप्पल की शेप का होता है, राउंडेड स्ट्रेट, और जबकि हम ऑर्थोडोंटिक को देखेंगे, ऑर्थोडोंटिक का शेप थंब की तरह होता है। ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। अभी जो हमने पहले फीचर्स डिस्कस किए वो दोनों पैसिफायर्स के लिए हैं, लेकिन ऑर्थोडोंटिक पैसिफायर्स का एक यूज और भी है। ये टीथ्स की मिस अलाइनमेंट को सही रखता है। अधिकतर देखा गया है बहुत से लोगों के टीथ्स एक लाइन में नहीं होते हैं, इससे प्रॉब्लम होती है किसी भी चीज को बाइट करने में। जो बेबीज स्टार्टिंग से ऑर्थोडोंटिक पैसिफायर्स यूज करेंगे उनके टीथ्स कभी भी मिस अलाइन नहीं होते हैं। अब हम इसके मटेरियल को देखते हैं। इसका जो मटेरियल है वो पॉलीप्रोपाइलीन प्लास्टिक का बना हुआ है और सिलिकॉन यूज किया गया है। इसके साथ साथ ये डस्ट फ्री कैप के साथ आता है, जिससे ये डस्ट और बैक्टीरिया फ्री रहता है, और पीछे की साइड इजी ग्रिप हैंडल है जिससे बेबी इजीली ग्रिप कर सकते हैं और सक कर सकते हैं। इसको वॉश करने के लिए लिक्विड क्लींजर एंड लुक वार्म वाटर से वॉश किया जा सकता है। इसके साथ साथ जब भी बेबीज को इसे देना है यूज करने के लिए, उसके पहले इसे स्टीम स्टरलाइज किया जाएगा। थैंक यू।